इन हादसे पर लोगों में गुस्सा है। इसी जगह पहले भी ये बड़ा हादसा हुआ था, चश्मदीद बता रहे हैं इस हादसे के पीछे रेलवे की लापरवाही है, रेल मंत्री से सवाल होने चाहिए। ये स्थानीय नागरिकों का गुस्सा सामने आ रहा है इस ट्रेन हादसे के बाद, कह रहे हैं कि यहीं पर पहले भी हादसा हुआ था, यहीं पर फिर से हादसा हो गया और रेल मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है, नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते, ये एक्सप्रेस ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया, मदद किया लोग? मदद किया, कोई रो रहा था, बच्चे बच्चे और बूढ़ा बूढ़ी लोगों, संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए, पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी, 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं रेलवे को? नहीं, ये दो बार हुआ है ना, पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए, हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले ये रोड तक है, वह पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चेवस्था का रोड है। नहीं हुआ उस समय, अभी फिलहाल हुआ, पहले भी एक बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है, रेलवे को सबक लेना? रेलवे का लापरवाही है, ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता है घर टूट जाता है, ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है, देख रहे ना, ये बोगी अगर यहाँ अगर गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना थर्ड लाइन का, ये घर उड़ जाता है। ये लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए एकदम। अच्छा, आप लोग भी इसी गांव के हैं? उसी के पीछे चकंदरपुर से। चकंदरपुर जी, तो यहाँ पे जो स्थिति है, आपको लगता है कि थोड़ा जो रेलवे है उसको कम से कम जो है वो कुछ देखना चाहिए? जी, रेल मंत्री को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई में ये तीसरा दुर्घटना हुआ है जी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को, बड़ी दुख भरी खबर ये है। और हम लोग तो खैर अभी आए, हम लोग को जैसे पता चला तो जी, रेलवे को कम से कम इसके ऊपर ध्यान देना, इस पे एकदम ध्यान देना चाहिए रेलवे को, इस पे एकदम ध्यान देना। इसी गाँव मेरे साथ में हम लोग आए, साथ में आप लोग देखने आए जी। तो रेलवे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रेलवे को कम से कम सबक लेना चाहिए? जी जी, एकदम सबक लेना चाहिए। किसकी गलती है ये? कोरापुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा, उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, एक सवाल खड़ा होना चाहिए, हादसा क्यों हो रहा बार बार, हमेशा ये तीन चार घटना हो चुका है ऐसा, इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए, इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे।